काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय स्थित अधिवासी कला दीर्घा में नगर के युवा एवं चर्चित छायाकार वीरेंद्र त्रिपाठी की 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति ने किया। ये छायाचित्र प्रदर्शनी युवा फोटोग्राफर वीरेंद्र त्रिपाठी के चित्रों की है, जिसमें 3 कहानियों का वर्णन किया गया है। विनती ने बताया कि बीचू दृश्य कला संकाय की अहिवासी कला दीर्घा में आयोजित इस प्रदर्शनी में 3 कहानियों को आधार बनाकर लगभग 100 छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शन देखने आए लोगों ने विनय त्रिपाठी के चित्रों की सराहना की और उनके इस अलग अंदाज से किए गए छायांकन को पसंद भी किया। विनय के छायांकन का एक अलग अंदाज है, ये कोई भी एक कहानी चुनते हैं और उसके अनुसार अपनी शैली में छायांकन करते हैं। इसके छायाचित्रों को देखकर लगता है जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, फोटोग्राफर हूँ। आज BHU के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के अहिवासी गैलरी में मेरी फ़ोटोग्राफी के एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये पूरा एग्जीबिशन 3 कहानियों पर आधारित है। एक महिला की कहानी जो 80 घाट पर रहती हैं, इटालियन हैं, उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया है। जो ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ है, वो फ़ोटोग्राफ जो है पुराने और नए फ़ोटोग्राफ का मिक्सचर है। जो 40 साल पहले 30 साल पहले जिन सीनियर फोटोग्राफर्स ने काम किया था, उनकी फ़ोटोग्राफ पे आधारित ये चीज़ें बनाई गई हैं। और एक जो साइड में है वो MF हुसैन की मशहूर गजगामिनी सीरीज़ का रूपांतरण है बनारस में, वो काफ़ी पहले मैंने किया था। ये सारी जो फ़ोटोग्राफी की जो स्टाइल है, वो स्टाइलिंग अभी मॉडर्न ज़माने की नहीं है। ये 30 साल 40 साल पहले जिस तरह के स्टाइल में फ़ोटोग्राफी होती थी, उसकी होती थी। BHU में ये इसलिए लगाया गया ताकि यहाँ भारी संख्या में दर्शक और जो छात्र और तमाम शहर के जो कला प्रेमी हैं, वो आके यहाँ पर कला को देख सकते हैं। ये 3 दिनों तक रहेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है, आज 28 तारीख को, 29 और 30 जुलाई तक ये रहेगा, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। उद्घाटन BHU के डीन हीरालाल प्रजापति ने किया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।